नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका स्वागत है। कपाली पुलिस ने टीओपी चौक स्थित कपड़े दुकान से शटर तोड़कर विगत दिनों बैटरी समेत कपड़ा की अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई थी। वहीं कपाली पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए टीओपी चौक निवासी बाबू कश्यप के मकान में छापेमारी की, जहां चोरी हुई बैटरी कपड़ा समेत अन्य सामान को पुलिस ने बरामद किया। वही जानकारी देते हुए कपाली पुलिस के बशीर खान ने बताया, टीओपी चौक स्थित जरा फैशन नामक कपड़े की दुकान में अज्ञात चोर द्वारा शटर तोड़कर बैटरी और कपड़े की चोरी कर ली गई थी। वही कार्रवाई करते हुए बापू कश्यप के मकान में छापेमारी की गई और दो अलग अलग कमरे में चोरी की गई। सामान को ढक कर रखा गया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। आपको बता दे, बापू कश्यप और उनकी पत्नी पूर्व में चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। वही आरोपी बापू कश्यप की तलाश में छापेमारी जारी है। वही स्थानीय दुकानदार मोहम्मद शब्बान ने बताया, बाबू कश्यप शातिर चोर है। मेरे मेडिकल में लगे सीसीटीवी कैमरा के बावजूद भी पति पत्नी फिल्म बंटी बबली के अंदाज में मेडिकल में चोरी की थी, जिसमें दोनों को ननिहाल हिरासत में बेचा गया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में उस वक्त कैद हुई थी। वही स्थानीय का कहना है, ऐसे शातिर चोर को जिला से तड़ीपार किया जाए और एक साफ सुथरा कपाली बनाने का प्रशासन काम करे। क्या मामला है? जैसा कि हम लोगों को कल सुबह जानकारी प्राप्त हुआ था कि टीओपी चौक में जरा फैशन के नाम से कपड़ा दुकान है, यहाँ पर उसी रात्रि को जो है यहाँ के कुछ जो है पेशेवर लोग हैं जो अक्सर यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। पिछले साल ही जो है सबन मेडिकल के यहाँ भी जो है चोरी हुआ था। ये लोग बहुत शातिर तरीके से चोरी करते हैं, शटर के कोना वाला पोर्शन को जो है केवल उखाड़ करके अंदर घुस जाते हैं और पूरा का पूरा सामान चोरी कर लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के लापरवाही को दर्शाता है, जबकि प्रशासन को मालूम है कि इसी व्यक्ति के द्वारा कपाली टीओपी क्षेत्र में अक्सर चोरी घटना का अंजाम दिया जाता है। बार बार उसको जो है जेल जाता है, छोड़ जाता है। थाना से अनुरोध है कि धारा उस पर ऐसा लगाया जाए कि वो लंबा समय तक अंदर रहे, और नहीं तो फिर उसको कपाली से यहाँ ताड़ी पार किया जाए पूरे परिवार को। इसके यहाँ ये तो भागा हुआ है सब, हम तो कल से खोज रहे हैं, मगर इसके यहाँ बैटरी और ये वो इन्वर्टर कुछ 12-13 को जींस पैंट है, तौलिया है, और तो वही बरामद किए। और जिनका सामान है यहीं बगल में है, लोग यहीं है मेडिकल के सामने। नहीं, उसका घर से बरामद हुआ। पूर्व में भी सर इसका, पूर्व में भी इसका ऐसा किया हुआ है, पूर्व में भी जेल भी गया हुआ है। कुछ सामान बरामद किया घर से। सर कपाली में आए दिन ऐसी घटनाएं खास करके टीओपी चौक में होती है, जैसे और खास करके यही लेडीज करती है, ये लेडीज करती है, ऐसा है उसको देखा जाएगा, उस पर लगाम लगाया जाएगा। पूर्व भी सर यहाँ कैमरे रहते, उनका सब सामान ले गया गया था, उसमें भी मामले में कपाली पुलिस जो थे उनको जेल। ये औरत करवा दी है, मेन जो है इसकी लेडीज है, हर बार इसी तरीके के यही करते हैं कपाली पे। मुख्य आरोपी तो भागा हुआ है कल से, मगर वो आ जाएगा, भागेगा का? पर भी, इंडिसा पर भी नहीं भागेगा, वो 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। पुलिस कितने देर कर उम्मीद लगाइए, 24 घंटे के अंदर उसको आना है। पुलिस प्रशासन को मेरे द्वारा मामला था कि इसी के द्वारा चोरी किया गया है, निशा परवीन के द्वारा। कल 2:22 में दिनांक 24/7/2024 को हम अपना सीसीटीवी फुटेज देखा तो देख रहे हैं कि ये दो आदमी, एक आदमी इस रोड में भागा है और एक आदमी इधर दौड़ते हुए जा रहा है, पेट्रोलिंग गाड़ी टाइगर मोबाइल एक जा रहे थे, उसका लाइट में दौड़ के भागा है। कल से हम प्रशासन को सुबह से लोकेट कर रहे हैं कि यही है, इसके यहाँ रेड किया जाए। अंत में बारा बाबू अभी अपने खुद संज्ञान में मामला को लेते हुए प्रशासन को भेजे हैं, तो टोटल सामान यहाँ पर रिकवर बरामद से हुआ है, बरामद हुआ है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। और आए दिन यहाँ पर ये घटना होता है और इसी के द्वारा किया जाता है बार बार। हाँ। और इसमें इसकी सहयोगी, इसकी पत्नी भी है निशा परवीन। इससे पूर्व में भी 2 फरवरी 2023 में ये जेल जा चुकी है, तीन आदमी, मियां, बीबी और इसकी बहन। हाँ। मधु कच्छप है, जिसमें केस नंबर 82/23 है, हमारा जो चोरी हुआ था और जो अंदाज में हमारे यहाँ चोरी किया था उसी अंदाज में उनके यहाँ भी कपड़ा दुकान में भी चोरी हुआ है। और तो हम कल से ही लोकेट कर रहे हैं कि उसी के द्वारा, उसी का काम है ये काम करना। तो पुलिस प्रशासन से
यह कपाली टीओपी चौक के दुकानदारों की मांग है कि ये घर को प्रशासनिक तरीके से सील किया जाए और इसको यहाँ पर नहीं रहने दिया जाए, इसको क्षेत्र से तारीफार किया जाए, यही हम लोगों का डिमांड है। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।